So I'm recording and my mom is sick that she could not come and plus it's a secret for mom oh, a mysterious shopping trip हेलो फ्रेंड्स <laughs> जैसे कि आपने देखा कि ट्विंकल जो है वो अब आप, उसने आपको बताया है कि वो कोई मिस्टे शॉपिंग करने के लिए जा रही है तो इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया ऑन माय स्पेशल डे बिकॉज ऑन सैटरडे वाज माय बर्थडे तो मेरी बेटियां मेरे हस्बैंड ये बस कह रहे थे जी हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मैंने कहा अच्छा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी बर्थडे भूल गए मैं नहीं इनसे बोलती <laughs> लेकिन मुझे इतनी इतनी इतनी, इतनी खुशी हुई के मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली को मेरी बर्थडे याद थी तो एनी वेज ट्विंकल जो है वो आपको पता है ऑलवेज मेरी सपोर्टर है हेल्प है, है शार्लिन भी ये सब रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग में तो वो ना मेरा मोबाइल लेगी तो रिकॉर्डिंग वाली मेरा कैमरा लेगी तो मुझे नहीं था पता कि वो कहाँ जा रहे हैं तो फिर आके जब मुझे सारी स्टोरी बताई जब मेरी बर्थडे के बाद तो ये देखिए मुझे बताया मामा भी वेंट ऑन परफ्यूम शॉप ऑन योर फेवरेट टू तो बाई योर फेवरेट परफ्यूम तो वो इस शॉप पे गए जनाब आप देखें तो अब्बा भी के खूब पैसे खर्चवाए खैर कोई बात नहीं मैंने कहा चलो साल में एक दिन आता है करना चाहिए तो जैसा कि आपको बताया था कि मम्म सिक यस आई 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 हैड वेरी वेरी बैड यू नो हैचर ऑन माई ऑन माय बर्थडे बर्थडे इन द मॉर्निंग तो लेकिन ये है कि फ़ौर मेडिसन खाई मैंने और सारा वो खाए थोड़ा रेस्ट किया तो फिर जाके कुछ मेरी तबीयत बेटर हुई और फिर मैंने अपने आप को फ़ोर्स किया कि नहीं यू हैव टू वेक यू हैव टू गेट रेडी सेक ऑफ योर चिल्ड्रन एंड योर फैमिली तो जना मैं फिर उठी मैंने फ़ौर अपने आप को वो किया फ़्रेश किया तो फिर मेडिसन दोबारा खाई तो आई फेल्ट वेरी गुड तो ये देखी जी ये शारलिन जो है वो बनी हुई है मैडम कि वही डैड को बता लिया डैड यहाँ जाए डैड वहाँ जाए और ट्विंकल ने बोला कि मामा शी इज़ आई एम फिल्मिंग तो मैंने कहा चलो जी ठीक है तो अभी ये दोनों अब गई हैं पहले इन्होंने वहाँ से मेरे लिए परफ्यूम बाई किया फिर अपने डैड के साथ साथ अब ये केक बॉक्स है यहाँ पर गई हैं जी मेरे लिए केक बाय करने तो यहाँ पर ट्विंकल ने बताया कि मामा ए, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केक जो सेलेक्ट किए थे लेकिन फिर हम तीनों की सिलेक्शन एक केक में आ गई हम तीनों ने देखा कि वो ये वाला केक जो है ना गुड है मामा के लिए क्योंकि फ्राइड रोस जो चॉकलेट है वो मुझे पसंद है तो मैं बहुत रेयर खाती हूँ लेकिन कभी हुआ तो यही खाती हूँ बस और यहाँ फिर एक और चॉकलेट है वो खाती हूँ तो फिर मेरी बेटियों ने अपने उन तीनों ने अपने पसंद का ये वाला एक केक बाय किया तो घर आ गए तो अभी कहती कि मामा वहाँ पर पहले हम शॉप के आउटसाइड खड़े रहे थे क्योंकि वी नॉट अलाउ टू तो एंटर इन द शॉप एट अ टाइम लाइक टू पीपल और समथिंग दैट तो फिर यहाँ से जी ये देखे हो, वो केक देख रहे अब कौन सा केक ले और मम्मी को कौन सा पसंद आएगा तो फिर उन्होंने वही जो मैंने आपको बताया कि डिसाइड किया तो ट्वी, ट्विंकल बोली थी मामा शैली जो है ना वो शी वाज बाइंग एवरीथिंग शी शी वाज टॉकिंग टू पीपल लाइक व्हाट शी शी नीड व्हाट काइंड ऑफ केक शी वॉन्ट एंड देन वेर एवर वी वेंट शी वॉज टॉकिंग टू पीपल आई सेट ओके अब uh, मुझे खुशी भी हुई कि मेरी बेटी इतना उसमें कॉन्फिडेंट है बिकॉज आई डोंट लाइक द चिल्ड्रेन हु डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू एनी ओन सो आई ऑलवेज एनकरेज कच माई गर्ल्स टू टॉक वेर एवर यू गो टॉक विथ कॉन्फिडेंस बिकॉज इस तरह बच्चों का ना जो है ना बाहर जाके तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम मम्मी ने डैडी ने परमिशन दी है हम वी कैन टॉक बट जहाँ जरूरत हो वहाँ टॉक करें है ना <laughs> तो बताइए ये था जी कि देखे जी उन्होंने केक ले लिया फिर कहती है मम्मी हम वहाँ खड़े डिसाइड कर रहे थे कि वे शैल वी गो नेक्स्ट तो कहती मैं डैडी को बता रही थी कि डैडी इस इस जगह जाना है तो ये मुझे ना बर्थडे से पहले पूछ रही थी मम्मी वाट यू वॉन्ट मम्मी वाट यू वॉन्ट ऑन योर बर्थडे तो मैंने कहा अच्छा चलो उन्हें बताती हूँ मैंने कहा मैं मुझे आ, कुछ नहीं बस मुझे ना जैकेट चाहिए ये है वो है तो ये सुनती रहती थी मेरी बातें तो मुझे नहीं था पता कि ये दोनों ये लिख रही हैं दोनों ने लिखा और मामू से भी जाके पूछा कि मामू ने भी पूछा कि मामा से पूछना कि मम्मी को क्या चाहिए तो कोई नहीं मैं बस ऐसे ही बताती कि हाँ मुझे ये चाहिए वो चाहिए अब देखिए जी ये अब बाबेटी आ, बाबे आ गए हैं मेरा ख्याल करता है ऐसो मैं ऐसो यहाँ से इन्होंने थोड़ी सी ग्रोसरी की थी चीज़ें वीज़ें लेनी थी वो ली और उसके बाद जी इन्होंने बस घर ने की फिर तैयारी पकड़ी लेकिन अब ये वहाँ से चीज़ें ले रही है ये देखे जी उन्होंने मेरे लिए जो चीज़ें ली तो ये है कि ट्विंकल ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसने ये रिकॉर्डिंग की है वो तो मेरी बर्थडे के बाद जब ये खुद ही कल भी सारे बर्थडे कि जितना भी छोटा सा एक हमने घर में फंक्शन किया था खुद ही हमने घर में किया था किसी को से नहीं तबला या <laughs> तो ये है कि इन्होंने ना उस उद, उद, तब भी मुझे नहीं बताया कि रिकॉर्डिंग की हुई है वो तो फिर बाद में जब बर्थडे हो गई मेरे प्रेजेंट मिल गए मैंने की काट लिया तो फिर जाके बताया बस वैसे मेरे हस्बैंड कहते आज तुम्हारी बर्थडे है चलो अच्छा सा खाना बनाओ मैंने कहा मैंने नहीं बनाना बस जो भी है बन जाएगा <laughs> फिर फिर वैसे भी मैंने कहा नहीं नहीं बनाऊंगी ज़रूर और मैंने उन्हें शो किया कि नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं मैं मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मुझे कुछ नहीं बर्थडे पर दोगे तो मैंने बड़े डायलॉग मारे मैंने कहा आप लोग ही मेरे लिए काफ़ी वक्त काफ़ी हो <laughs> तो बस ये है कि प्रेजेंस का क्या है प्रेजेंस सिर्फ एक चाहत का ज़रिया होते हैं है, है ना और वरना तो ऑब्वियस बात है कि एंड वाइफ और चिल्ड्रन फैमिली एक दूसरे से प्यार करते हैं और हस्बैंड एंड प्यार वाइफ का तो प्यार ही सबसे अनोखा प्यार है क्यों है ना जो जो मेरे साथ एग्री हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ठीक है ना तो आ, मेरे हस्बैंड तो ये है कि मेरे फ्रेंड भी हैं और पहले मेरे फ्रेंड थे और फिर मेरे हस्बैंड तो इसलिए मेरा और उनका तो एक बहुत मज़े का ताल्लुक है तो एनीवेज ये है कि उन्होंने जब मेरे लिए इतना कुछ किया तो मैं और ज़्यादा उनको कहने लगी आई लव यू सो मच तो एनी जी ये पता नहीं अब कहाँ कहाँ घूम रहे हैं क्या क्या ले रहे हैं जब ये दोनों कभी डैड के साथ जाए तो बहुत डैड को घुमाती हैं कभी यहाँ जाती हैं कभी वहाँ जाती हैं ये लेना है डैड वो लेना है तो फिर पता नहीं क्या क्या बाय करती रहती हैं एनीवेज तो ये है कि डैड कहती है डैड के साथ जाने को इसलिए मजा आता है क्योंकि डैड जो भी डैड को कहें डैड हमें बाय कर देते हैं मम्मी तो मैंने कहा क्या करूँ पुत्र मामा नो बहुत देखना है एनी anyway, <laughs> सही कहा ना है ना क्योंकि जब भी हम बच्चों को लेके जाते हैं तो माँ सोचती है ना वो यार नहीं ए, ये करूंगी तो ये कर लूँगी ये नहीं तो ये कर लूँगी माँ माँ जो होती है ना माँ बस उसको सबका ही होता है एहसास पूरे घर का उसने सोचना होता है कि नहीं यार मैं ये ये यहाँ पर ये खर्च लूँ और मैं वहाँ पर ये बचत कर लूँ मैं यहाँ पर ये कर लूँ क्यों आप लोग भी ऐसी है ना हाँ ना क्योंकि मैं अनोखी माँ थोड़ी ना हर माँ ऐसी होती है लेकिन मैं शैली ट्विंकल के लिए जहाँ मुझे कुछ लेना हो मैं ज़रूर लेती हूँ और मेरी बहन है उसकी बेटियाँ उनके उसके बच्चे जो है मुझे इनके लिए कुछ भी लेना हो मैं आई I मीन mean, वो नहीं मैं फिर मैं सोचती कि हाई ये लूँ या ना लूँ पैसे खर्चूँ या ना खर्चूँ फिर मैं कहती हूँ नहीं फिर मैं बिंदास हो जाती हूँ तो ये है कि बच्चे हैं बच्चों की ख्वाहिशात को पूरे करते चाहिए अब देखिए इस वाली जो ये जो वीडियो है इसमें जो इन्होंने मेरे साथ किया है तो अब खुद ही बताए कौन कौन माँ है जो कहेगी कि नहीं मैंने नहीं मैं तो अब इनकी मैं पहले भी मेरी इन सब पे मेरी जान न थी अब तो और भी ज़्यादा मेरा ना वो एक मुझे एहसास हुआ है कि हाउ इम्पोर्टेंट डॉटर्स आर इन योर लाइफ तो मैं कहती हूँ जी के बस जिनकी बेटियाँ वो अपने अल्लाह ताला का शुक्र करें कि उनको खुदा ने बेटियाँ दी हैं क्योंकि बेटियाँ जो है ना वो बस उनका मुकाबला कोई कायनात में कोई चीज़ कर ही नहीं सकती वो इतनी प्यारी चीज़ है बेटों को भी खुदा ज़िंदगी दे अल्लाह ताला उनको बहुत ज़िंदगी दे वो बहुत आगे जाएं बेटे सब जिस जिसके भी बेटे हैं खुदा उन्हें ज़िंदगी दे पर बेटियों की बात जो है ना वो अनोखी क्योंकि ये अनमोल रतन होते हैं है ना हाँ एग्री <laughs> हो ना मेरे साथ सही है तो ये देखे जी ये कमिंग बैक आ रहे थे तो बता रही कि मामा हमने कहा कि जब बैल करेंगे तो देख लेना मम्मी ना सामने आए मम्मी को साइड पे काट देना मम्मी ना देखे ब्ला 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 पता नहीं मुझे क्या क्या बताती कहती हम डैडी के साथ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे कि डैडी जब घर पहुँचेंगे तो मेक श्योर sure करना मम्मी मम्मी कॉन्ट सी एनी थिंग जस्ट गो जस्ट से मम्मी जस्ट सी वेयर इज मम्मी एंड से मम्मी प्लीज़ यू कैन गो असाइड आई वॉन्ट टू पुट दिस इन साइड तो मैंने कहा अच्छा जी तो बड़ी बातें बता रही थी तो बस अभी देखेगी इन्होंने बस गाड़ी पार की और सबसे पहले जो चीज़ आके इन्होंने मुझे दिखाई वो थी केक क्योंकि मेरे बच्चों से हो ही नहीं था सबर रहा मम्मी मम्मी लुक योर बर्थडे केक एंड आई वाज़ सो हैप्पी ऐसे दो गॉड ब्लेस तो होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा ये मेरी बच्चों की सरप्राइज शॉपिंग और मेरे हस्बैंड की सरप्राइज शॉपिंग तो अभी पिक्चर बाकी है यार अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि अभी मैं और भी हमने आप लोगों को अभी बहुत कुछ दिखाना है ये देखे जी ये मेरी बेटी रेडी हो गई है अपनी बर्थडे के मम्मी की बर्थडे के लिए तो इसने जी आज ये वेलवेट का सूट निकाला कहती मम्मी आई वांट टू वेयर दिस वन तो मैंने कहा चलो जी ठीक है ये देखे जी मेरे प्रेजेंट इन्होंने इसमें रखे हैं तो ये प्रेजेंट बाद में मैं देखूंगी मैंने स्नीक एंड पिक तो कर लिया है <laughs> लेकिन मैं इनको बाद में देखूंगी तो ये देखिए जी आई ये कुछ कह रही है अभी ट्विंकल ने भी कुछ कहा था तो बस जी अभी ये धोड़े बगल कर रही है एंजॉय कर रही है म्यूजिक लगा के डांस कर रही है तो ये देखिए कुछ कह भी रही थी तो बस ये डांसी करके खुश हो रही है मैंने कहा वाह बर्थडे मीदा तो नच नच मेरी कुड़ी पागल हो गई तो फिर शैली आई शैली ने मुझे बर्थडे विश किया और बहुत खुश हुई ठीक है जी तो होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज इसको साम सफ्स दें और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर आऊँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ बाय लव यू ऑल